गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओपन योर साइंस बुक एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 4, बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ओके, व्हाइल आई एम गोइंग, जब भी मैं आपको रीडिंग वीडियो पढ़ा रही, वीडियो में आप मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, यू ऑल हैव टू कीप योर बुक रेडी विद यू। आपको बुक हमेशा अपने पास रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जितना ये फिर आप बोल, एट लास्ट यू विल से मैम वीडियो देखने से कुछ समझ में नहीं आता। यू ऑलवेज हैव टू कीप योर बुक। जब वीडियो पॉज करेंगे, बार बार उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम में गेन होने लग जाएगा। वीडियो एक बार नहीं, टू टाइम अगर आपको नीड है तो आप टू टाइम भी उसको व्यू दे सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट, ओपन अ बुक एट पेज नंबर 38। यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद योर बॉडी पार्ट्स। आप सब अपने बॉडी पार्ट्स से अच्छे से फेमिलियर हो, हैंड्स, लेग्स, सब ने हम पढ़ाते हैं, नर्सरी से पढ़ते आ रहे स्टूडेंट, पढ़ रहे हो ना आप लोग सब। यहाँ पर ये कुछ नया इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग मूवमेंट भी पढ़ने वाले हैं। हमारे बॉडी के पार्ट जो है वो मूव करते हैं, लेकिन किस वे में वो मूव कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट सिस्टम है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं मूवमेंट में, ये चीज़ आप लोगों के लिए न्यू है। ह्यूमन बॉडी इज़ वंडरफुली एफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। वेरी ट्रू, बहुत सही बात है ये कि हमारी बॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है, बहुत कठिन है, जटिल है अगर देखें तो। इट हैज़ एन ऑर्गन्स एंड सिस्टम दैट इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हमारी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबकी अपनी अपनी खुद की एक्टिविटी है, काम करने का खुद का, उन सबके पास कुछ ना कुछ वर्क है। द स्टमक एंड इंटेस्टाइंस अलॉन्ग विद द लिवर एंड पैनक्रियाज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे का सारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का, ये कंप्लीट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। देन लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग, लंग्स ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, ये आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। द सिस्टम दैट हेल्प इन द मूवमेंट, लेकिन जो सिस्टम हमें चलने में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ये सिस्टम कहलाता है लोकोमोटरी मूवमेंट। ओके, ये कुछ नया वर्ड है आपके लिए, एंड यू ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस वर्ड। लोकोमोटरी मीन लोकोमोशन, चलना, और इसके लिए मूवमेंट में जो शो करेंगे, जो हेल्प करेगा वो लोकोमोटरी सिस्टम हेल्प करेगा हमारी। ओके, द लोकोमोटरी सिस्टम हैज़ टू पार्ट। अब इस लोकोमोटरी सिस्टम के पास भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, मसल्स। स्केलेटल सिस्टम बोन्स बनाती हैं और मस्कुलर सिस्टम बनाने वाले होती हैं हमारे मसल्स। लुक हियर वंस अगेन, मूवमेंट को शो करने के लिए है लोकोमोटरी सिस्टम। लोकोमोटरी सिस्टम एक्टिविटी करेगा, हमारा बॉडी का मूवमेंट परफॉर्म करेगा। इसके लिए टू जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं स्केलेटल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है और मस्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारी रेस्पिरेशन के लिए लंग्स एक ऑर्गन है जो हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम है। सबसे पहले हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट अ सेट ऑफ 206 बोन्स। अगर हमने बॉडी में बात करें तो एडल्ट ह्यूमन बींग्स में, एडल्ट में 206 बोन होती हैं। ओके, न्यू बॉर्न बेबी में 206 बोन नहीं होती हैं, उनसे ज़्यादा बोन्स होती हैं। दीज बोन्स आर प्रेजेंट इन अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी लाइक हैंड, आर्म्स, लेग, बैक, हेड, शोल्डर एक्सेट्रा। कहीं अपने हैंड पे टच करो, हार्ड। ओके, इनफैक्ट द शेप एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी इज मेंटेन बाय द बोन्स। सम वेरी डेलिकेट ऑर्गन लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स। अब कुछ फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम के। सबसे पहला फंक्शन तो है कि हमारी बॉडी का जो पोस्चर मेंटेन करके रखता है वो स्केलेटल सिस्टम मेंटेन करता है। सेकेंड फंक्शन कहता है कि जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, हार्ट है हमारा, ब्रेन है, ओके, किडनी है, तो ये जितने भी डेलिकेट ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, स्केलेटल सिस्टम करेगा। All the muscles of our body need a strong support to work. Bone provides support to the muscles. Even muscles को भी work करने के लिए strong support चाहिए, तो ये strong support provide कौन कर रहा है, ये skeletal system, या कह सकते हैं bones support करती हैं।
यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से स्केलेटल सिस्टम डिस्क्राइब करा हुआ है, और स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से पार्ट हैं, स्कल है, लोअर जॉ, अपर जॉ, देन कॉलर बोन, जिस कॉलर बोन बोलते हैं आपके शोल्डर बोन को, देन शोल्डर ब्लेड, ब्रेस्ट बोन, रिब्स, आर्म, सारा आपको फीचर अच्छे से डिस्क्राइब है, जस्ट गो विद इट। चलो एक बार रीडिंग तो एक बार देखो ये सारा। फोर आर्म्स, ओके, बोन ऑफ हैंड्स, हाथ की जो हड्डियाँ, ये हिप गर्डल, थाइज, एंड देन नी कैप, लेग बोन्स, बोन्स ऑफ द फुट, ओके। स्टार्ट करते हैं चेस्ट कैविटी से। चेस्ट कैविटी इज फॉर्म्ड ऑफ रिब्स, वर्टिब्री ऑफ बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन। चेस्ट कैविटी जो है वो बनी हुई है, एक बार चेस्ट कैविटी से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चेस्ट कैविटी फॉर्म्ड ऑफ रिब्स, ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है रिब्स की, वर्टिब्रेट की, देन ब्रेस्ट बोन की। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स ऑन ईदर साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। अगर हम चेस्ट कैविटी की बात करें, हमारे चेस्ट पे बात करें, तो यहाँ पे 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। द रिब्स आर ज्वाइंट टू द वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन बिहाइंड एंड द ब्रेस्ट बोन इन फ्रंट। ये इस तरह से लिंक्ड होती हैं, हमारी वर्टिब्रेट कॉलम से इस तरह से लगी रहती हैं कि एक पार्ट इस तरह से अरेंज रहता है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कैसे सिस्टम से अरेंजमेंट है इसका। वर्टिब्रे कॉलम से तो पीछे की तरफ अटैच है, और आगे इसके पास अटैचमेंट के लिए, अटैच करने के लिए हैं ब्रेस्ट बोन। बिसाइड गिविंग प्रोटेक्शन टू हार्ट एंड लंग्स, रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन हेल्प इन ब्रीदिंग मूवमेंट। ये हेल्प तो करेगा ही सही, किसको हेल्प कर रहा है, लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ में ये एक काम और करेगा कि हेल्प करेगा हमारी ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग मूवमेंट में। जैसे हम सांस लेते हैं, आप कुछ मूवमेंट फील करते होगे आपके चेस्ट कैविटी में। देन बैकबोन, बैकबोन और वर्टिब्रे कॉलम, इट इज़ मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रे। ये हमारे 33 बोन्स का एक स्ट्रक्चर है, ये आपको दे रखा है यहाँ पर, आप देखो एट पेज नंबर 40। ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर, ये हमारे बैक में प्रेजेंट होता है, ओके। इट ऑल्सो हेल्प इन बेंडिंग द बॉडी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये बॉडी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड करने में हेल्प करता है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड अ रिजिड बैक। क्या होगा अगर हमारी बैक जो है वो रिजिड हो, बिल्कुल हिले नहीं, क्या होगा? विल यू बी एबल टू मूव? क्या आप ऐसे मूव कर पाओगे? नो। सो देन वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू बैंड और आर बॉडी फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो हमारी बॉडी ना बैकवर्ड मूव होगी, ना फॉरवर्ड मूव होगी, ना पीछे से हम शिफ्ट होंगे बैठ पाएंगे, ना ढंग से आगे की तरफ झुक पाएंगे। कभी स्ट्रेट रहो, और स्ट्रेट रह के ऑब्जर्व करो कि अगर हम ऐसे ही होते तो क्या हमारी बॉडी में बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट पॉसिबल होता? कुछ चीज़ गिरती है, हम झुकते हैं और उठा लेते हैं, क्या ऐसा फिर पॉसिबल हो पाता? नो। स्कल, आर स्कल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ बोन्स। हमारा जो स्कल रीजन है, ये होता है हमारा स्कल रीजन, ओके। ये भी आपकी बुक में अच्छे से डिस्क्राइब की वो दिया हुआ है डायग्रामेटिकल शो प्रेजेंटेशन में, क्लियर। ये है हमारा स्कल, एंड द हेड इज द अपर पार्ट ऑफ द स्कल। इट इज़ मेड अप ऑफ 8 बोन्स। ये 8 बोन्स से मिलकर बनाए हैं, विच फॉर्म द ब्रेन बॉक्स दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। हमारे ब्रेन बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे हमारे लंग्स हैं, किडनी हैं, हार्ट है, वैसे ब्रेन भी बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। तो इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? स्कल है। फेस फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द स्कल। स्कल के नीचे अगर हम देखें, ये वाला पार्ट हमारा फेस रीजन, ये 14 बोन्स का बना होता है। ऑल दीज बोन्स आर इमूवेबल और फिक्स्ड। ये सारी बोन इमूवेबल हैं, इनमें से एक भी बोन नहीं हिल सकती है, लेकिन सिर्फ आपके लोअर जॉ वाली बोन, जो आपकी ये लोअर जॉ वाली बोन है, यही मूवमेंट शो करती है। द फेस हैज़ 2 सॉकेट फॉर द आई। और फेस में आप ये देख रहे हो कि 2 सॉकेट हैं जिसमें हमारे आईज होती हैं, ओके। ये 2 सॉकेट हैं जिसमें हमारी आई रहती हैं। गर्डल, देयर आर 2 गर्डल इन आर बॉडी, शोल्डर ब्लेड एंड हिप गर्डल।
Bone of the arms are attached to the shoulder blade and the bone of the legs are attached to the hip girdle. अगर हम गर्डल की बात करें तो हमारी बॉडी में टू गर्डल्स होते हैं. Look here. Girdles. There are two girdles in our body. Shoulder blade and hip girdle. Bone of the arms are attached to the shoulder blade. हमारी जो आर्म की बोन है, हमारे हाथों की जो हड्डियाँ हैं वो जाके जुड़ती हैं सीधा शोल्डर ब्लेड से, और हमारे लेग के जो बोन्स हैं वो अटैच होती हैं हिप गर्डल से. क्लियर? द टू गर्डल अटैच द लिम्ब टू द ट्रंक. लुक एट द सोल ऑफ योर फीट, यू विल फाइंड दैट इट इज़ एन आर्क. अगर हम अपने पैर की बनावट को देखें तो हम देखेंगे कि आर्क शेप है, वो इस तरीके की कुछ शेप है उसमें आर्क. दिस आर्क सोल इज हेल्पफुल एज इट कैन सपोर्ट मोर वेट ऑफ द बॉडी. ये आर्क शेप हेल्पफुल है क्योंकि ये हमारी बॉडी के वेट को हैंडल कर सकता है. अगर ऐसा होता, पॉइंटेड होते हमारे पैर, तो क्या हम खड़े रह पाते ज़्यादा देर तक? अगर हम अपने पंजों के बल पे ऐसे कभी खड़े होते हैं, विल यू बी एबल टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या ज़्यादा टाइम आप खड़े रह पाओगे? नो. तो ये जो आर्क शेप बोन है ये सपोर्ट करती है आपके बॉडी वेट को और आपको लंबे टाइम तक खड़े रहने के लिए भी. इट हेल्प इन वॉकिंग ऑल्सो, चलने में भी हेल्प करती है. सम पर्सन हैव फ्लैट सोल, सच पर्सन आर नॉट एबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ देयर बॉडी कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम. दिस कॉजेज पेन इन द आर्क एंकल एंड मसल्स ऑफ द लेग. सी, आर्क फुट, फ्लैट फुट. यहाँ पर आपको दोनों के प्रेजेंटेशन दे रखी है. आर्क फुट किस तरह से होता है? अगर आर्क फुट होंगे तो आप स्टैंड कर पाओगे, फ्लैट फुट में प्रॉब्लम है. ज्वाइंट्स, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ज्वाइंट्स, बोन्स हमें पता है, बोन्स जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से, ओके? लेकिन जिस पॉइंट पे ये जुड़ती हैं, जिस रीज़न पे ये बोन अटैच रहती हैं, वो पार्ट होता है ज्वाइंट. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही, ज्वाइंट्स के साथ. द बोन ऑफ द बॉडी ज्वाइंट विद वन अनदर एट ज्वाइंट टू अलाउ मूवमेंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन. हमारे को किस अपने हैंड को मूव करना था, ये मूवमेंट शो करने के लिए हमारी बोन्स एक दूसरे से अटैच हैं, इसलिए ये मूवमेंट शो हो रहा है. अगर अटैच इस तरह से नहीं होती और बिल्कुल स्ट्रेट होती, इनमें कोई अटैचमेंट नहीं होता, बिल्कुल इस मार्कर की तरह स्ट्रेट होती, तो क्या इसमें कोई मूवमेंट शो हो सकता? नो. सो द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट इन दैट रीजन. एट अ ज्वाइंट कैन बी डिफाइंड एज, अगर हम ज्वाइंट की डेफिनेशन देखें तो वो आपको दी हुई है. अ स्ट्रक्चर इन एन एनिमल बॉडी वेयर टू बोन आर फिटेड टूगेदर. एनिमल बॉडी में ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे दो बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. डिफरेंट बोन्स ऑफ अवर बॉडी ज्वाइंट विद वन अनदर एट डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स. अलग अलग बोन्स जो हमारी बॉडी की जुड़ी रहती हैं, अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स. अब यहाँ पे ज्वाइंट्स के फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको नेम दिया गया है, इनका क्लासिफिकेशन है, जो हम इस चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे. दिस इज कॉल्ड अ लिगामेंट ज्वाइंट. अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट. ज्वाइंट में जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पर एक तरह का जोड़ने वाले टिश्यूज पाए जाते हैं, जिन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है. और ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इसे बोलते हैं लिगामेंट. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लिगामेंट. लिगामेंट हेल्प टू अटैच वन बोन विद अनदर बोन. लिगामेंट हेल्प करते हैं कि किस तरह से एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी हुई रहे. लुक एट पेज नंबर 41. यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छे तरह डायग्राम दिया हुआ है ज्वाइंट्स का, और यहाँ पर आपको बता रखा है कि किस तरह से लिगामेंट एक बोन से दूसरी बोन पे ज्वाइन कर रहे हैं. ओके, दिस वॉज लेक्चर नंबर 1, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट. अब हम लोग आगे सेकेंड लेक्चर में डील करेंगे स्टूडेंट्स. ओके.